हेलो, सत श्री अकाल एवरीवन। दिस इज़ योर वेरी ओन सिंह ऑफ सीज। बहुत ही मशक्क़त के बाद मैं अब सेट हुआ हूँ। पहले घर पे मैंने ट्राई किया, अभी मैं पठानकोट में डाउनटाउन बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर कॉफ़ी सिप करते करते मैं आपको बताऊँगा कि मर्चेंट नेवी में कैसे आते हैं। मर्चेंट नेवी में मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आते हैं, बट आप लोगों को कोर्स भी चाहिए है ना, क्योंकि मैं जो बताता था यूजुअली वो क्या होता था कि 12th के बाद कैसे कर सकते हैं, बट अभी मैं जो बता रहा हूँ इंजीनियरिंग के बाद कैसे कर सकते हैं। ओके, सो अभी इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है और मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसरशिप पे कैसे बनते हैं, उसके लिए कौन सी डिग्री एलिजिबल है जो कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, उसकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, फ़ी स्ट्रक्चर से बहुत कुछ है। तो बस बने रहिए मेरे साथ एंड हो सके ना तो आप क्या करिए, साथ में फ़ोन में आप ये ब्लॉग देख लो और लैपटॉप पे आप अप्लाई कर लो, ठीक है, मेरे साथ ही रहना। ओके, सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हमने गूगल पे एंग्लो वेस्टर्न लिखा। ओके, फिर आपको ये वेब पेज खुलेगा, उसके बाद आपने यहाँ जाना है एमा, जहाँ लिखा है बेस्ट मर्चेंट नेवी कॉलेज इन इंडिया। तो मैंने अभी स्टारबक्स का ही मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा स्लो हो सकता है एंड आवाज़ भी मैंने माइक यूज़ कर रहा हूँ तो आई थिंक ठीक रहने वाला है। तो एडमिशन्स में आप क्लिक करेंगे, एडमिशन्स के नीचे इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर कोर्स, ठीक है, देन आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एडमिशन्स अभी खुली हैं DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए जो 1 साल का है, GME और इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर और मॉड्यूलर कोर्सेज, आपका यहीं से मतलब है इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर्स। ओके, तो इसमें क्या है कि 17 हफ्ते का कोर्स होता ही है और डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड है और ये आपको कोर्स करना ही करना पड़ेगा। इसके ये एमा में होता है, ये करजत में, मुंबई के पास करजत है, वहाँ पर इनका इंस्टीट्यूट है। तो 4 महीने का क्लासरूम कोर्स है और 8 महीने की ऑनबोर्ड ट्रेनिंग है। ओके, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। यहाँ पर रीड मोर पर आप क्लिक करोगे, आप खुद भी कर सकते हो वैसे तो, बट मेरे को पता है मैं आपको इतना कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, रील्स में लिंक्स वगैरह डाल देता हूँ, बट आप लोग करते नहीं हो, तो अभी मेरे को थोड़ी बहुत स्पून फीडिंग करनी पड़ रही है। एनीवे कोई बात नहीं, इसीलिए तो इन्फ्लुएंसर कहा जाता है कि भाई थोड़ी हेल्प हो जाएगी, आप लोगों का काम आसान हो जाए। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इस कैंडिडेट्स सीक एडमिशन टू मेरीटाइम प्रोग्राम आर स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड टू हैव पासपोर्ट्स। पासपोर्ट्स होगा तो आपका बेस्ट रहेगा। ओके, और जो पासपोर्ट पे जो नाम है आपका और 10th का जो नाम है वो सेम होना चाहिए, स्पेसिंग, सरनेम है कि नहीं, स्पेलिंग, ये सब सेम रहना चाहिए। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्या है, तो BE या BTEC इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगर इनमें से आपने कुछ भी किया है, और भी बहुत कुछ आप पढ़ लीजिएगा, अगर इनमें से आपने कुछ भी, ये 4 साल का कोर्स किया है आपने UGC रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको 65 एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, ठीक है, और विद मिनिमम 65 इन फाइनल ईयर, और 12th क्लास में या फिर इक्विवेलेंट आपने मिनिमम 65 मार्क्स स्कोर किए हों PCM में, अगर डिप्लोमा किया है तो उसमें भी 65% आपके होने चाहिए। फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट्स विद लैटरल एंट्री एंड सेकेंड ईयर ऑफ BTEC नीड टू हैव स्कोर 65% एंड अबव इन डिप्लोमा फॉलोड बाय डिग्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी जैसे होता है ना कि कई बार हम कुछ लोग डिप्लोमा करते हैं और 2 साल का फिर वो सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलती है उनकी इंजीनियरिंग में, ऐसा कुछ होता है, तो अगर वैसा अगर आपने कुछ किया है तो भी आपको 65 चाहिए, तो 65% तो हर जगह आपको चाहिए ही चाहिए होगा। उसके बाद आपको इंग्लिश, इंग्लिश शुड हैव ऑब्टेन नॉट लेस देन 50 मार्क्स इन इंग्लिश एज सेपरेट सब्जेक्ट। ओके, 10th या 12th में रिकग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से, मिनिमम एज आपका 28 एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है, 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अनमेरिड होने चाहिए आप। फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकली फिट एंड शुड मीट मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, सॉरी, उसके अलावा आई साइट आपकी 6 से 12, 6x12 होनी चाहिए। जो मैं कोर्स जो मैंने किया था डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, वहाँ पे 6x6 था, तो कई लोग मेरे फ्रेंड्स मतलब या जूनियर्स वो नहीं ज्वाइन कर पाते आई साइट की वजह से, तो यहाँ पर आपको एक लीवे मिल गया कि 6x12 भी चलेगा आपको। ओके, तो यहाँ पर साथ में ना ये क्लिक अगर यहाँ पे करोगे ना, DGS डायरेक्टर जनरल शिपिंग की वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पर आपको और चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक क्या स्टैंडर्ड्स हैं उनके ना, आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगी उसके बारे में। ओके, अब हम आते हैं हाउ टू अप्लाई, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो अभी एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एंग्लो ईस्टर्न मैरिटाइम अकेडमी है, इस पर मेरा भरोसा है, इसीलिए मैं आपको ये इसका पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसका बहुत डिटेल में बताया होता है, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आप इसके गो थ्रू करोगे ना तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ऐसे नहीं तो बहुत सारी, अगर आप किसी इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर से बात करो वो भी आपको यही सजेस्ट करेगा कि भाई यहाँ पर चले जाओ, इस वेबसाइट पर चले जाओ, प्लस ये कॉलेज जो बहुत अच्छा कॉलेज है, आपको प्लेसमेंट की टेंशन नहीं रहेगी, अगर आप यहाँ पे एडमिशन हो गई आपकी, यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ, ऐसा टेंशन की बात नहीं है, आप और भी किसी इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, बट मुझे ये पसंद है इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। मैंने इनको कोई स्पॉन्सरशिप या मतलब कोलैबोरेशन नहीं है, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस आपको आपका भला चाहता हूँ कि भाई आप आराम से अप्लाई कर लीजिए, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ।
ओके कमिंग बैक, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट सपोज टू टेक इंग्लिश इन ऑनलाइन एग्जाम, आपको इसका ऑनलाइन एग्जाम करना पड़ेगा। अप्लाई नाउ जो ऑप्शन आ रहा था ना, आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो पेमेंट होगी इसकी फ़ी की, वो ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एग्जाम है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पर बैठ के दे दोगे, आपको जो उनके जो ऑनलाइन सेंटर्स है वहाँ जाके देना होगा उनको ऑनलाइन एग्जाम। बताता हूँ सिलेबस क्या है क्या है, सब कुछ आएगा, वेट मत करो, टेंशन मत लो, ठीक है, वेट करो। तो सीट बुकिंग इंस्ट्रक्शंस ये सब है। तो कैंडिडेट हु पास ऑनलाइन टेस्ट एंड साइकोमेट्री टेस्ट इवैल्यूएशन विल बी फर्दर कॉल्ड फॉर अ पैनल इंटरव्यू एट मुंबई और दिल्ली। इनका दिल्ली या मुंबई में इंस्टीट्यूट है, दिल्ली एंड मुंबई दोनों में है ऑफिस है इनके, तो वहाँ पर जाके इनका इंटरव्यू होगा। तो अभी ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है, ऑनलाइन टेस्ट दो सेक्शन कैरी करता है। ओके उसमें क्या क्या होते हैं टॉपिक्स, इंग्लिश एप्टीट्यूड एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉपिक 2 घंटे का। सतनम शाहरुख सॉरी, मेरे को एसी की आदत नहीं और मैं पूरा एसी के नीचे बैठा हूँ। क्या क्या करना पड़ता है आपके लिए, हाँ बट आप लोग से एक सब्सक्राइब नहीं होता, कोई बात नहीं, कोई बात बेटा देखी जाएगी, कोई बात नहीं कि कोई अगर एडमिशन हो जाए किसी की फिर तुम शेयर करना, मेरे को नहीं चाहिए शेयर शेयर यार, बस तुम्हारा भला हो। ओके सो इंग्लिश एप्टीट्यूड एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉपिक। ओके मार्क्स 100, टोटल मार्क्स 100 का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। डिफिकल्टी लेवल कि किस लेवल का आता है, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी फॉर टेस्ट इज बेस्ड ऑन डिग्री लेवल, जो ईटीओ का जो डिग्री है ना उसी लेवल पे होगा। तो पीएसवाई जो टेस्ट है वो है साइकोमेट्री टेस्ट है, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, ड्यूरेशन 1 घंटा। फर्दर डिटेल एंड सिलेबस ऑन ऑनलाइन एग्जाम इज गिवन ऑन अ वेबसाइट, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे ही फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आप वो भी कर सकते हो। और मैं अभी देखता हूँ कि मेरा व्लॉग रिकॉर्ड हो भी जा रहा है कि नहीं, मैं अभी बोली जा रहा हूँ या वी आर गुड टू गो, वी आर रिकॉर्डिंग, हमारा सही जा रहा है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें है पैनल इंटरव्यू, तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, मैंने आपको बता दिया है कि आपका टेस्ट होगा, उसके जो पास होंगे उनका क्या होगा, शैल बी नोटिफाइड वाया ईमेल, आपको ईमेल आ जाएगा। द इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट मुंबई या दिल्ली, ये भी बता दिया मैंने आपको। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू परमिट हिमसेल्फ, फॉर्मल अटायर आपको जाना पड़ेगा, आपको अपने 10th 12th के सर्टिफिकेट्स लेके जाने पड़ेंगे। और आपकी जो मतलब वेटेज किसको दिया जाएगा कि आपके एकेडमिक्स परफॉर्मेंस कैसा था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में थे कि नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। मैं जैसे एनसीसी में था तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, जब मुझे मेरा इंटरव्यू एग्जाम लिया था तो उन्होंने मुझसे पूछा गया था कि लीडरशिप स्किल चेक कर रहे थे मेरी, एंड इट वॉज गुड। तो फिर इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, कैंडिडेट्स हु विल पास द इंटरव्यू विल बी डायरेक्टेड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय कंपनी अपॉइंटेड डॉक्टर्स। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा नॉर्मल जो यहाँ पे हम डॉक्टर पाथ लैब से करा लेते हैं अपना टेस्ट, वैसा नहीं है, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के हिसाब से जो टेस्ट है, तो इसमें बहुत डीपली थॉरो टेस्ट होता है, मेडिकली फिटनेस चेक होता है, ठीक है। तो ये जब आपका हो गया ना, आपने जब पैनल इंटरव्यू पास हो गया आपका और आपने ऑनलाइन टेस्ट भी दे दिया, फिर आपको प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर मिलता है। ओके तो उसके वो कब मिलेगा, उसमें आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, बीएससी पासपोर्ट, बीएससी या जो भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है, पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस, या फिर पासपोर्ट अगर अप्लाई भी किया हुआ ना तो वो भी चलेगा आपका, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और पेमेंट ऑफ इनिशियल एडमिशन फीस। ओके तो रिसिप्ट, ऑफर लेटर फ्रॉम एंग्लिश, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, मेरिट लिस्ट गिव एडिक्वेट इंपॉर्टेंस टू वेरियस पैरामीटर्स इंक्लूडिंग एकेडमिक परसेंटेज। तो मतलब कि आपको फाइनली एक ऑफर लेटर मिलेगा, ये तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया, जो आपने पास कर लिए अपने एग्जाम्स वगैरह, साइकोमेट्री टेस्ट पास हो गया, आपका मेडिकली फिट है, तो आपको प्रोविजनल मिलेगा। फिर फाइनल में इनके और जो शॉर्टलिस्ट होंगे ना उसके बाद आपको ये ऑफर लेटर मिलेगा। तो ऑफर लेटर भी आपको ऐसे नहीं कि आपका बिल्कुल हो गया, आपको फिर और थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये फीस स्ट्रक्चर भी है यहाँ पर, ठीक है। एडमिशन कैलेंडर बताता हूँ आपको, ईटीओ बैच 16 सितंबर 2024 इसका खुला हुआ है फॉर्म, और इसके फॉर्म सभी खुलने हैं जो कि है 17 मई 2025 के लिए। तो आप अभी अप्लाई कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ईटीओ, एमआर ईटीओ, ठीक है, इसके हम क्या आपको डाउनलोड करके बताऊँ, मैंने ऐसे किया था। तो फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 2023 में अगर इन्होंने कैसे किया था, 3 लाख था इनका, 3,45,000 अराउंड। तो आपको ये शीट जो है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप मिल जाएगी आपको ऑनलाइन ही, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इसमें कैसा एडमिशन प्रोसेसिंग फीस है और एडमिशन टू पीसी प्रोग्राम है, ये वो। तो ये गर्ल्स का है, आप देखेंगे फीस स्ट्रक्चर फॉर गर्ल्स तभी कम है, थोड़ा बहुत कम है। तो एडमिशन फीस इनकी 40,000, कोर्स फीस 2,15,000। तो ये सब्जेक्ट भी चेंज है, ये पिछले साल ऐसा था, इस साल इनका चेंज हो सकता है। ओके और उसके अलावा अगर हम देखें, ये बॉयज़ का है तो बता रहा था ना, 3 लाख से ज़्यादा है, 3,70,000 है इनकी फ़ीस। ओके सो ये भी मैंने आपको बता दिया। और ईटीओ ऑनलाइन टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस, तो आपको यहाँ पर इनका सिलेबस भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरीज मेजरमेंट्स, तो बहुत लंबी बड़ी फाइल है ये, एप्टीट्यूड इंग्लिश, आपको जो भी है सब डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके और फिर जब आपने यहाँ से देख लिया, यहाँ पे आप ब्रोशर या सब कुछ अप्लाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो अप्लाई नाउ पे करें हम जरा एक बार।
मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो डिग्रीज़ मैंने बताई अभी आपको, बीटेक वाली डिग्रीज़, अगर आपने वो डिग्रीज़ की हुई हैं, आपके 65% से अबव हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, ओके, आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन टेस्ट एग्ज़ाम के लिए। ऑनलाइन टेस्ट के लिए एग्ज़ाम करोगे तो फिर आपको उनके जो बेसिस है वहाँ पर जाके आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। ऑनलाइन टेस्ट और साइकोमेट्री टेस्ट पास हो जाओगे आप, फिर आपको मेडिकल करना पड़ेगा। मेडिकल, साइकोमेट्री, डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन टेस्ट, ये सब हो गया आपका, फिर ये आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बाद ये लोग जो अपने एक्सेस करेंगे कि हाँ भी किसको टॉप पर रखना क्या है, मेरिट लिस्ट जो भी होगी, फिर आपको वो ऑफर लेटर देंगे। उसके बाद आप कोर्स करोगे, कोर्स की फ़ीस है 3,75,000 पिछले साल की, इस बार पता नहीं कितनी होगी। फिर आपको जितना मैंने बताया 4 महीने की ट्रेनिंग होगी आपकी, वहीं पर पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, आपकी 8 महीने की शिप पे ट्रेनिंग होगी, उस पर भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा, उसमें आप ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जाते हो। तो ये जब आपको ऑफर लेटर मिला है तो ये जॉब का मिला है, मतलब आपको फिर जॉब की टेंशन नहीं है। जब आप एक बार एडमिशन हो गई ना तो जॉब तय है, 2 लाख जितने आप पैसे दिए ना, 3,75,000, वो आपके वापस आ जाएंगे धीरे धीरे करके। और बहुत अच्छा रैंक है इसमें, आपको काम भी होता है वैसे, अलग अलग शिपमेंट शिप पे डिपेंड करता है, बट अच्छा रैंक है। और आपने जैसे इतनी साल ऑलरेडी पढ़ाई की है, इतने पैसे लगाए हैं, तो यहाँ पर आपके कवर हो सकते हैं किसी तरह, और आगे भी बहुत अच्छा करोगे। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं इंस्टा पे किसी ETO के साथ कोलैब करूँ, तो कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनको। बट मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है, मैंने आपको वेबसाइट बताई है, आप इसके गो थ्रू करो अच्छे से, आराम से टाइम लो, ओके। और मैं यहाँ पे भी देखता हूँ मेरे से जितना होता है ना, बीच में वीडियो बंद होगी तो होगी, लेट्स जस्ट ट्राई, ओके। सो आई जस्ट राइट माई नेम, डेमो, कैप्स में लिखते हैं डेमो, डेमो सिंह, ओके। और ये 7F205E, सबमिट, ओके। तो यहाँ पर भी क्या है, आपके आधार कार्ड डिटेल्स पूछे जाएंगे, अपलोड आधार कार्ड, यहाँ पे आप फाइल सेलेक्ट करोगे अपनी जहाँ से भी आपकी है, ओके। उसके बाद फर्स्ट नेम जो एस्ट्रिक है, मतलब कि ये मस्ट एंट्री, ये करना पड़ेगा। मिडिल नेम, सर नेम, मिडिल नेम के लिए एस्ट्रिक नहीं है, तो अगर आपका नहीं है तो रहने दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस, फादर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, फैमिली, एनुअल इनकम, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये किसकी, अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये आपकी ही है। एंट्री स्टेट वगैरह आप डालेंगे, फिर ब्रदर सिस्टर की डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, इसमें 10th 12th का आप डालोगे, आपके CGPA जो था, हमारे टाइम तो था ही नहीं है, एनीवे। तो BE BTEC की ईयर पास आउट, यहाँ पर आपकी स्ट्रीम क्या थी, एग्रीगेट क्या था, हाइट आपकी, पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप, वर्क एक्सपीरियंस आपको, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट एंग्लो सिप मैनेजमेंट, डाल देना सिंग ऑफ सीज, ओके। तो ये सब करके आप सबमिट कर दीजिएगा। इसके अलावा भी आगे और भी प्रोसीजर हो सकता है, जहाँ पर भी आप अटके हो मुझे DM कर देना, बट कमेंट ही करना है यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा ताकि और लोगों को फ़ायदा हो जाए। आई होप ये वीडियो आपके हेल्प की हो, एंड ट्राई करो यार, ये मेरे हिसाब से ना फीस इतनी नहीं है, फीस ठीक है, अगर आप आगे जाके बहुत अच्छा कमाने वाले हो तो ये बस इन्वेस्टमेंट ही है, बहुत अच्छी चीज़ है। सभी मेरे इंजीनियर भाई लोग, गो थ्रू इट एंड गो फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, दिस इज योर वेरी ओन सिंगल सीज। कमेंट कर देना यार, शेयर शो लाइक कर दो, मैं नहीं बार बार बोलूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता।